हेलो एवरी वन वेलकम टू मोफ्त स्टडी दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर थ्री किंगडम एनिमिलिया पिछले दो चैप्टर्स किंगडम क्लासीफिकेशन एंड टिश्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि क्लास सेवन्थ की प्ले में क्लास सेवन्थ बायोलॉजी की प्ले में आपको सभी पिछली वीडियोज़ मिल जाएंगी रिलेटेड टू चैप्टर वन एंड चैप्टर टू जिसका मैंने पूरा सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है टेस्ट योर सेल्फ का सोल्यूशन जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन हैं उसके सारे सोल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं तो आप उन वीडियोज़ को देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जादस शेयर करिए एंड अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम एनिमिलिया स्टूडेंट्स इफ़ यू रिमेंबर टू द लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था दैट वाज किंगडम क्लासिफिकेशन एंड उसमें हमने स्टडी किया था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच आरिज टेकर ने जो दिया था उसके चार किंगडम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज uh, करवाऊँ पिछली चीज़ों को सो वी हैव डिस्कस ऑल द प्रीवियस किंगडम इन डिटेल ऑर्गेनिजम्स को पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया प्रो एंड यू ये हमने लास्ट की वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स में भी डिस्कस किया था और जो पांच किंगडम डिवाइड uh, किए थे वो कौन कौन से किंगडम थे आपको ये आपकी फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए किंगडम मॉन््रा जिसमें हमने स्टडी किया था बैक्टीरिया के बारे में एंड किंगडम प्रोटस्टा जिसमें हमने अमोबिया युगलिना एल्गी सब के बारे में पढ़ा किंगडम फन जहाँ पे मशरूम यीस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस ब्रेड पे जो फंगस लगती है वो सारी चीज़ें पढ़ी किंगडम प्लांटी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी फ्लावरिंग प्लान्टॉन फ्लावरिंग प्लान्टॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं थैलोफाइट्स ब्रायोफाइडा टेरिडोफाइटा फ्लावरिंग प्लान्टिमनोस्पर्म्स इन एनजीओ स्पर्म्स एज वेल एज एनजीओ में डॉस एंड सब डिविजन आपको इनके नेम्स फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए अब जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट चैप्टर सॉरी दैट इज किंगडम फाइव दैट इज एनिमीलिया राइट तो इसमें हम जो एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है Uh, हमने सेकेंड uh, चैप्टर uh, में डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी तो हमने ये बताया था कि बारह लाख डिफरेंट टाइप्स हैं एनिमल के तो उनको अब कैसे क्लासीफाई किया गया है वो हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स right, उससे पहले चलिए हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में तो किंगडम एनीमिलिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने किंगडम एनिमिलिया में रखा क्लासिफिकेशन क्या है देन पॉरीफेरा सिलेंट्राटा प्लेट हेलमेंटस नीमैथी हेलमेंटस एनिलिटा आर्ट्रोपोडा मुलस्का एकाइनोडर्मिटा क्लासिफिकेशन ऑफ वट्रेड पाइसिस एम्फीबिय रेप्टाइल्स एव्ज मेमेलिया ये सभी क्या है क्लासिफिकेशन से सब डिविजन्स हैं तो इनके हम लोग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे साथ ही में हम ये जानेंगे कि इनमें कौन कौन से एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को आ, हिट करिए लाइक के बटन को सो so दैट मुझे आपका फीडबैक मिले कि आपको सारी चीज़ें अच्छे चीज़े से समझ में आ रही हैं आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं सो दैट आई जस्ट कीप वर्किंग फॉर यू पीपल एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोस सो दैट आपको सारी चीज़ें अच्छे चीज़े चीज़े से क्लियर हो जाएँ कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स की तरफ मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स का मतलब है उनकी uh, ख़ासियत आप कह सकते हो या अगर किसी पर्सन को हम जज करते हैं तो किन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे करते हैं तो वो कैरेक्टर्स होते हैं किसी की किसी भी थिंक uh, का थिंक का करेक्ट कैरेक्टर एनिमिलिया इंक्लूड्स मल्टी सेलर नॉन ग्रीन यूक्रियाड्स तो जो पहला डिविजन किया गया था प्रोक्रियॉर्ड्स एंड यूक्रियाड्स तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एनिमल्स जो हैं वो सभी क्या हैं यूक्रियाड्स हैं यूक्रियाड्स का मतलब कि उनका न्यूक्लियस कैसा है ट्रू न्यूक्लियस है दे ऑल पजिस ट्रू न्यूक्लियस राइट मल्टी सेल्वर मतलब एक सेल से ज़्यादा के हैं नॉन ग्रीन भाई ऑब्वियसली प्लांट्स जो हैं वो नॉ ग्रीन होते हैं एनिमल कोई भी क्लोरोफिल वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है दे आर हेट्रोट्रॉपिक अच्छा हमने पिछले किंगडम प्लांटी में बात करी थी कि किंगडम प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है वो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं एंड हैट्रोट्रॉपिक जो किसी और औरगैनिज़म पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए दे आर अनएबल टू यूटिला सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड जैसे वी ह्यूमन हम अपना खाना नहीं बॉडी में खुद से जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सन एनर्जी जो कि प्लांट्स करते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रीशन होता है एंड फीड इन प्लांट्स और एनिमल्स और बहुत तो हेट्रोट्रॉप्स है, क्या हैं जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको हैट्रोट्रॉप्स कहते हैं राइट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं द सेल्स आर विदाउट द सेल वॉल अब ये कैरेक्टर आपको पता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है प्लांट्स में प्रेजेंट होती है तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है किसी भी एनिमल में नहीं होती है मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन अब एनिमल की भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं फूड की सर्च में लेकिन एनिमल्स क्या है दे आर मोबाइल दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ फूड ठीक है और अपने प्रोटेक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एनिमल शो लिमिटेड ग्रोथ विच स्टॉप आफ्टर मेचोरिटी एनिमल्स क्या है कि एक इनका टाइम पीरियड है उतनी ही एज तक के ये ग्रो करते हैं उसके बाद मेचोरिटी के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो काफ़ी सारे एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हैं ह्यूमंस भी किंगडम एनीमीलिया के अंदर आते हैं काउ टाइगर फ्रॉक कॉक बर्ड्स कॉकरोच इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ किंगडम एनिमीलिया अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं क्लासीफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा क्लासीफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमीलिया अब किंगडम एनीमिलिया को कैसे क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रीढ़ की हड्डी है बैक बोन है उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया किंगडम एनीमिलिया को उसकी प्रेजेंस और एबसेंस में मतलब तो ये होंगे नहीं है तो ये एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स मतलब किंगडम एनिमिलिया को दो में डिवाइड कर दिया गया एक इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें बैकबोन नहीं है एंड वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें बैकबोन है आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरी वन ठीक है सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अब देखिए इन वर्टिब्रेट्स आर एनिमल विदाउट वर्ट्रीब्रल कॉलम मतलब ये वो एनिमल्स हैं जिनकी हड्डी नहीं होती बैकबोन नहीं होती दे इंक्लूड्स वर्म्स कीड़े मकौड़े जो हैं वर्म्स हैं कॉकरोच हैं बटरफ्लाइज मॉस्किटोज स्पाइटर्स स्कॉर्पियन स्नेल स्टारफिश इन सभी जो ये सभी जो इंसेक्ट्स हैं इनमें बैकबोन नहीं प्रेजेंट है सो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इन वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स क्या है विद वर्ट्रिब्रल कॉलम जिनमें बैकबोन प्रेजेंट है दे इंक्लूड फिशेस फ्रॉक्स लिजर्ड टर्टल बर्ड मैमल्स इंक्लूडिंग मंकी एंड ह्यूमन मतलब वो सभी एनिमल्स जिनमें ब्रीड की हड्डी प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिब्रा ठीक है अब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए बैकबोन इसमें एब्सेंट है इसमें प्रेजेंट है इंटरनल स्केलेटन ऑफ बोन इज एब्सेंट अब जब बैकबोन नहीं है मतलब जो स्केलेटन सिस्टम है वो उसमें स्केलेटन सिस्टम नहीं है वर्टिब्रा में स्केलेटन सिस्टम है अ ट्रू टेल इज़ एबसेंट ट्रू टेल इनमें नहीं प्रेजेंट होती है एंड वर्टिब्रे में ट्रू टेल प्रेजेंट होती है लिम्स इधर एबसेंट और मे अगर एज थ्री और फोर लिम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं जैसे वर्म्स वग़ैरह में लिम्स नहीं होते हैं स्पाइडर वगैरह में होते हैं पज इज ओनली टू पेयर्स ऑफ लिम्स और वर्टिब्रे में अगर लिम्स की बात करी जाए तो दे हैव ओनली टू पेयर्स ऑफ लिम उनके पास सिर्फ दो पेयर्स होते हैं लिम के ठीक है आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरी वन अब यहाँ पर आप जो एक चार्ट देखेंगे ये पूरा क्लासीफिकेशन का चार्ट है इसको ध्यान से समझिएगा किंगडम एनिमिलिया को डिवाइड किया गया इन वर्टिब्रेटा में मतलब जिनकी हड्डियाँ नहीं हैं एंड वर्टिब्रेटा मतलब जिनकी हड्डियाँ हैं अब हम बात करेंगे जिनमें हड्डियाँ नहीं हैं तो उसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं तो फाइलम पोरिफेरा फाइलम सिलेंट्रियाटा ये सब सब डिवीज़न है जिनको हम फाइलम कह रहे हैं फाइलम प्लेटाई हेलमेंथिस फाइलम निमेटी हेलमेंथेस फाइलम एनिलेडा फाइलम आर्थ्रोबोडा फाइलम फ़िका फाइनम इकाइनोडर्मेटा तो टोटल कितने हो गए आपके ये सभी आपके टोटल आपके ये हो गए एट पॉरिफेरा पोर बेयरिंग अभी हम इसको जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा सिलेन्ड्राडा सिनीडियरिया प्लेटी हेलमेंथज़ में फ्लैट वर्म्स आते हैं निमेंटी हेलमेंथस में राउंड वर्म्स आते हैं एनीिलीडा में सिगमेंटेड वर्म्स आते हैं आर्थ्रोपोडा में ऐसे एनिमल्स जिनके जॉइंटेड लिम्स होते हैं मुलस्का में जिसमें शेल्स होती हैं इकाइनोडेरेटा में जिनकी स्पाइनी और जो स्पाइनी स्किनड एनिमल्स होते हैं तो टोटल एट इनवर्टिब्रेटा में आपके फाइलम आते हैं वर्टिब्रेटा में अगर स करी जाए तो पाइसिस जिसमें सारी मछलियाँ आती हैं देन एम्फीबियंस एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं देन रेप्टाइल्स जो सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है स्केली होती है एव्स में जो जो चिड़ियाँ हैं सारी बर्ड्स फ्लाइंग एनिमल्स वो एव्स की कैटेगरी में आते हैं देन द फिफ्थ वन इज़ मेमल्स मैमल्स में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं मतलब अंडे नहीं देते दे गिव बर्ड टू द यंग वन और उनको फीड करते हैं uh, राइट right, वो सभी आपके किस में आ जाते हैं मैमल्स में आ जाते हैं तो ह्यूमन्स ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स हैव हेयर ऑन द बॉडी इनकी बॉडी में हेयर होते हैं मेमरी ग्लैंड इन फीमेल टू फीड द यंग वन और जो फीमेल्स होती हैं इनकी वो अपने जो उनके यंग वंस होते हैं उनको फीड करते हैं उनको मिल्क फीड करती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मेमरी ग्लैंड ओके तो ये वर्टिब्रेटा हो गए आपके ये इनवर्टिब्रेटा हो गए आई होप कि इतना सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ सके अब हम आगे एक एक फाइल को डिस्कस करेंगे वीडियोज़ को मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि आप को लेंदी और बोरिंग ना लगे चीज़ें एंड जहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आगे अब हम आज एक फाइलम डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहला फाइलम फाइलम पोरीफेरा इनवर्टिब्रेटा का जब हम ये सारे इन्वर्टिब्रेटर डिस्कस कर लेंगे तो हम वर्टिब्रेटा की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहला पोर बेयरिंग तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो साइकॉन ये जो समुद्र होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जस स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया ठीक है ये सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं अब पॉरीफेरा पोर बेयरिंग इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनकी ये बॉडी है इसमें छेद होते हैं छोटे 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 छेद होते हैं इसलिए इनको पोर बेयरिंग कहा जाता है जैसे प्यूमिक स्टोन अगर आपने देखा हो जिसको आ, आ, स्क्रबिंग के लिए जो काम आता है पैर वगैरह घिसने के लिए तो जो बाथ स्पॉन्ज होता है उसमें ऐसे करके छेद होते हैं तो इसीलिए इनको पोर बेयरिंग कहा जाता है राइट ये एक्चुअली में यही पॉरीफेरा फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं अब पोर बेयरिंग एनिमल्स हैं उनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं पॉरीफेरेंस मतलब जितने भी एनिमल्स फाइलम पॉरीफ्रा में आएंगे उनको हम पॉरीफेरेंस कहेंगे मानिए जैसे आपका कोई स्कूल का नेम होता है तो आप उस स्कूल के बच्चे हैं तो इस तरह से यहाँ पे पॉरीफरेंस जो फाइलम पोरीफ्रा से बिलोंग करते हैं हैव पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडी टू ड्रॉ वाटर इन इनकी पूरी बॉडी में छेद होते हैं ताकि पानी इनके अंदर आ सके अ लार्ज पोर और ओपनिंग प्रेजेंट एट द टॉप और सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा सा ओपनिंग बहुत बड़ा सा छेद होता है ऑफ़ द बॉडी टू एक्सपेल द इनकमिंग वाटर और उसमें क्या होता है कि बाकी बॉडी से जहाँ से पानी हर छेद से आ रहा है वो पानी उस बड़े होल से बाहर निकल जाता है तो पानी का एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है दे आर मेनली फाउंड इन सी अब ये समुन्द्र में पाए जाते हैं ओनली अ फी अकर इन फ्रेश वाटर कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं दे आर फाउंड अटैच टू द बॉटम ऑफ द सी और पाउंड अब जो जो समुद्र की सतह होती है वहाँ की जो नीचे की ज़मीन होती है उससे ये चिपके हुए होते हैं या जमीन जो नीचे की बॉटम होता है वहाँ से ये अटैच्ड होते हैं एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या आ जाते हैं साइकॉन स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में पाया जाता है यू स्पॉन्जा जो बाथ बाथिंग स्पॉन्ज भी जिसको कहते हैं ठीक है सो दिस वॉज़ अबाउट द फर्स्ट फाइलम अभी आप लोग क्लास एट में हो तो आप इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं स्टडी कर रहे हैं लेकिन आगे इलेवेंथ और ट्वेल्थ में आपको काफी सारी डिटेल में इस चैप्टर के इस इन सारे फाइलम्स के बारे में स्टडी करना होगा और अगर ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट्स लेते हैं तो वहाँ पे और ज्यादा डिटेल में इनके बारे में स्टडी करेंगे सो so, आज के इस वीडियो में हम फाइलम तक ही रखते हैं डिस्कशन अपना नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सिले और जो भी हमारे आगे निमैठी हेलमेंस एनिलेडा ये सारे जो फाइलम्स आते हैं उसको डिस्कस करेंगे तब तक कि प्लीज़ अपने दोस्तों को दोस्तों के साथ इन वीडियो इस वीडियो को शेयर करिए दैट मैम ने चैप्टर थ्री का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए सो so दैट मैं मोटिवेटेड होती जाऊँ आपकी वीडियोज़ आपके लाइक से और आपके अच्छे अच्छे कॉमेंट्स से थैंक यू एवरी वन हैव अ ग्रेट डे बाय बाय